थैंक यू बेटे, थैंक यू। मेरी सास तो रुकते रुकते रह गई थी, वो तो आपने लास्ट मिनट में ऐसी स्पीड लगाई कि नंबर 30 का सोच सही रह गया होगा, किससे पाला पड़ा है। थैंक यू बेटे, थैंक यू। अकुल करनी, हां जी, मैं गाड़ी नंबर 32 के ड्राइवर से मिलना चाहता हूं। ओके, हां क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी सर। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारी गाड़ी कुछ खराब हो गई थी क्या? जी नहीं। तुम तो जीत रहे थे, हार कैसे गए? मैं बरसों से आपका फैन रहा, आपको अपना गुरु मानता, और मैं नहीं चाहता था कि आप अपनी आखिरी रेस हार जाएं। इसका मतलब तुम जानबूझकर हार गए? कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता। क्या जीतना चाहते हो तुम? आपका आशीर्वाद। मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। वैसे कहां के रहने वाले हो? बॉम्बे का सर। कार रेसिंग मेरी हॉबी है और स्पोर्ट्स कार्स में डील करना मेरा पेशा। ओ, मैं अपनी बेटी के लिए स्पोर्ट्स कार ही ढूंढ रहा था। अगर कोई अच्छी गाड़ी हो तो दिखा देना। मैं परसों बॉम्बे पहुंच रहा हूँ, पहुंचते ही इनको गाड़ी दिखा दूंगा। सर, कार के साथ आपकी एक फोटो चाहिए। एक मिनट, अभी आता हूँ। ओके विकी, बाय बाय, सी यू इन बॉम्बे, हैव अ गुड डे सर। बेटी, मैं क्लब हाउस में हूँ। सुनिए, मेरा नाम प्रिया चोपड़ा है, और तुम ये जानना चाहती हो कि मैं रेस हार क्यों गया। तुम्हारे लिए, तुम्हीं ने तो कहा था कि तुम्हारे पापा के सामने ये इक्की मिक्की छिक्की लिक्की सब फीके पड़ जाएंगे, और अगर ये इक्की मिक्की छिक्की लिक्की रेस जीत जाता तो तुम्हारा दिल टूट जाता, और तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की का दिल मैं कैसे तोड़ सकता हूं। तभी तो मैंने कहा था, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर।